आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में कल हमने रिजल्ट आते हुए, क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिखे, जहां ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट का 21% तो डीप होते हुए दिखा, गिरते हुए दिखा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन नंबर्स थे उसको कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पे बीट किया है। और इसके बाद ही ICICI सिक्योरिटी के टारगेट 827 यानी पोस्ट स्प्लिट 82 रुपीज़ के टारगेट आते हुए दिखे हैं। अगर आप इस एपिसोड को कंटिन्यूस देखते हो तो हमने कहा था कि 960 टू 980 तक के लेवल्स दिख सकते हैं इस स्टॉक में प्री स्प्लिट्स, और आपने देखा कि इस स्टॉक में 960 तक के लेवल्स दिखे और उसके बाद अगेन ये स्टॉक आज जो है 957 पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। पर्सनली मेरा मानना है कि इस स्टॉक में स्प्लिट से पहले ये 940 टू 970 के बीच में कंसोलिडेट होते हुए दिख सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर इस समय इस स्टॉक को इग्नोर करे और जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रखना चाहते वो सियोरली पोजीशन बनाए रखे। और इस स्टॉक में जो स्प्लिट्स है वो अराउंड 85 टू 90-92 के अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है, और पर्सनली मेरा टारगेट 120 तक का विद इन मैक्सिमम 3 मंथ में दिख सकता है।